रामपुर पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन टाडा के निर्देश पर रामपुर पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रही है। इसी के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने 25 नवंबर को मीडिया के सामने कुछ शातिर अपराधियों को पेश किया। इन शातिर अपराधियों का पूर्व में भी गंभीर इतिहास रहा है, जिन्होंने कई घटनाएं दी हैं। फिलहाल जो पकड़े गए ये अभियुक्त हैं, इनके नाम चांद बाबू पुत्र जफर, नूर हसन पुत्र इशाक, इख्तियार पुत्र शब्बीर बताए गए हैं। इन तीनों के पास से 1.5 किलो चरस, 3 तमंचे, 10,000 रुपए, 3 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। दरअसल रामपुर पुलिस प्रयास कर रही है कि रामपुर को अपराध मुक्त बनाया जाए। इसी के तहत मुजरिमों के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ा हुआ है। रामपुर की पुलिस की स्वाट टीम तथा कैमरी पुलिस ने ये शानदार कामयाबी हासिल करी है। पुलिस कप्तान ने खुश होकर टीम को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। रामपुर से क्राइम एक्सप्लोजन न्यूज के लिए मैं आरिफ खान। कैमरी में पिछले दिनों एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक कपल से एक मोटरसाइकिल छीनकर 3 अपराधी भाग गए थे। उस पर पुलिस टीम लगाई गई थी। इसमें हमको कामयाबी मिली है आज, जिसमें कि हमने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तीनों जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, तीनों जनपद रामपुर के ही रहने वाले हैं और पूर्व में इनका क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। और तीनों ने वहाँ पर सुनसान सड़क पर इन लोगों का पीछा किया कपल का, और उनकी जो मोटरसाइकिल थी उनको छीन कर इनको खेत में फेंक कर भाग गए थे। तो इनसे जो चोरी का मोटरसाइकिल थी वो बरामद हुई है, एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। इसके अलावा पूछताछ में एक और मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है, जो कि इन्होंने एक अन्य व्यक्ति से लूटी थी। तो दोनों लूट की मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। सर, और भी घटनाओं जी हाँ, इनमें दोनों तीनों अपराधी हैं, बड़े अभ्यस्त अपराधी हैं। तीनों ने पहले घटनाओं का अंजाम दिया है। तीनों से हमने 1.5 किलो चरस लगभग बरामद किया है तीनों अपराधियों से। और ये आदतन अपराधी हैं और अक्सर ये शहर में छोटी मोटी घटनाएं करते हैं, शाम के समय निकल जाते हैं और जो भी मिलता है उसे लूटपाट कर छोटी मोटी और अपना रोज का जो शराब वगैरह है वो पीने का काम करते हैं।